हेलो गाइस, एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हैं और हम भी ठीक है। दोस्तों आज है 13 अप्रैल और चैती छठ पूजा शुरू हो चुका है। दोस्तों आज खरना है तो आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और दोस्तों ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है और जो स्पेशल बात है वो हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। गाइस हम अपना घर दिखाते हैं, देख सकते हैं दोस्तों ये है हमारा घर। और जो गाइस हम लोग का घर बना था तो उस पर अब टीन भी रखा गया है, देख सकते हैं। और हम लोग अब धीरे धीरे सामान इस रूम में रखना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे किताब वगैरह रखा हुआ है हम लोगों का और भी ढेर सारा किताब है, अभी थोड़ा ही लाए हैं। और अलमारी में पड़ा हुआ है, यहाँ पे मशीन है, मेरी बहन का सिलाई मशीन है, कपड़ा सिलने वाला, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे तो ट्राइपॉड रखा हुआ है छोटा वाला, जो हम सबसे फर्स्ट टाइम खरीदे थे वो वाला है। देखिए अभी हम लोग का घर कैसा दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पंखा मोटर का काम होता है तो वो रखा हुआ है। और यहाँ पे इस बोरा में चावल है, हम लोग जो धान कुटवाए थे तो उसको यहाँ पे लाके रख दिए थे क्योंकि उधर का घर उजड़ चुका है। चलिए उधर का पहले दिखा देते हैं। देखिए इधर का सारा टीन हट करके चल गया है, ये वाला घर पे चला गया है सारा टीन। ये तो नया वाला है, पीछे में रखा हुआ है इस घर का टीन। और देखिए कैसा दिखता है अभी हम लोग का ये उजड़ा हुआ वृंदावन, तो देख सकते हैं ऐसा कुछ दिख रहा है ये उजड़ा हुआ चमन। और ये हमारा नारियल का पेड़ अब यहाँ से बिल्कुल साफ दिखने लगा है, नहीं तो यहाँ से दिखाई नहीं देता था, ऊपर में टीन रखा हुआ था, ये टीन हट गया था ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसी में बहुत साल तक रहे दोस्तों। गाइस अभी शाम के 4 बज रहा है और हम नहा करके पूजा पाठ कर लिए, मुझे कहीं शाम में निकलना है तो अभी भूख लग चुका है, चलते हैं खाने के लिए। यहाँ पे मेरा खाना निकल चुका है, देख सकते हैं दोस्तों, भात है, दाल है, आलू का भुजिया है। और यहाँ पे मेरे लिए मम्मी बना रही है आलू पराठा है, यहाँ पे आलू का मकुनी चोखा, हम लोग भोजपुरी में मकुनी कहते हैं, हिंदी में चोखा बोला जाता है। तो ये मकुनी है, इसी को आटा में डाल के बनाते हैं और कहीं कहीं पे आलू पराठा बोला जाता है। लाइट भाग गया दोस्तों, तो चलते हैं जल्दी से खा लेते हैं, उसके बाद जल्दी से बैग वगैरह पैकअप करना है। गाइस फाइनली तैयार हो चुके हैं और शाम हो चुका है दोस्तों, और जल्दी से मुझे निकलना है तो निकलते हैं। और दोस्तों पटना जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं पटना में तो आप लोग को आगे इस ब्लॉग में जानकारी मिल जाएगा, बस आप लोग बने रहिए। चलते हैं, ठीक है, चलते हैं। तो गाइस अभी हम ट्रेन पकड़ने के लिए आ चुके हैं स्टेशन, और ये है अररिया कोर्ट, और थोड़ी देर में आने वाली है ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस। देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ होता है दोस्तों सीमांचल पकड़ने के लिए, बहुत ज्यादा भीड़ होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 5 बज रहा है और अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं पाटलिपुत्र जंक्शन, देख सकते हैं दोस्तों ये है पाटलिपुत्र जंक्शन। और अभी सुबह के 6 बज रहा है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी छठ पूजा। और अब बताते हैं कि हम पटना क्यों आए हैं। तो गाइस आज है 14 अप्रैल और आज चैती छठ पूजा का पहला अर्घ है, तो हम पटना के गंगा घाट का छठ पूजा देखने के लिए पटना आए हुए हैं। गाइस कार्तिक में जो छठ पूजा होता है लगभग सभी घरों में होता है, तो उस समय टाइम नहीं मिल पाता है, मम्मी भी करती है तो घर में ही ढेर सारा उस दिन काम रहता है तो कहीं नहीं जा पाते हैं। तो फाइनली आज छठ मैया की कृपा से पटना के गंगा मैया का घाट का छठ पूजा देखने का मौका मिला है, और इसीलिए हम पटना आए हैं, और यही गुड न्यूज है। और गाइस अभी फोन का बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो इसको अभी चार्ज में लगाएंगे, और ट्रेन में सफर करके रात भर जग करके आए हैं दोस्तों हैं, तो अभी चलते हैं थोड़ा सा आराम करेंगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।